Hey guys, welcome back to another video and you guys are watching the Unstoppable Amit. So guys, आज की वीडियो में बात करेंगे गेनिंग डाइट के बारे में कि गेनिंग में क्या क्या खाना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है और जो भी एक दो चीज़ें जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेरीज आ रही थी मुझे कि गेनिंग की डाइट बताओ, गेनिंग की डाइट बताओ, तो हर इंडिविजुअल को अलग अलग तो पता ही नहीं जाती यार। तो मैंने सोचा वीडियो निकाले भी काफ़ी दिन हो गए, वीडियो भी बना देते हैं इसके बारे में एक, तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देख लेना। जिसको भी सीरियसली गेनिंग करनी है तो उसके लिए है ये वीडियो। तो बात करते हैं शुरू में। तो देखिए, आप स्टार्ट में तो ऐसे कीजिए, आप किसी भी, जैसे आप या तो मेरी बात सुन लीजिए या किसी और जो यूट्यूबर है या किसी और आपके जो कोच हैं या कोई आपका दोस्त है, कोई भी है, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मुझे गेनिंग करनी, थोड़ा सा इसका ले लिया मटेरियल, थोड़ा इसने बता दिया वो ले लिया, थोड़ा किसी और ने बता दिया वो ले लिया, और फिर सबको साथ लेके चलो। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, ना कुछ आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो या तो आप, अगर मैं बता रहा हूँ वो सुन लें मेरी बात, या कुछ आपका तो कोई दोस्त बता रहा, कोई कोच बता रहा है तो वो बात सुन लें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, पहले डाइट के बारे में बताता हूँ, डाइट कैसे लेनी है, क्या लेना है, ठीक है। देखिए, मेनली गेनिंग में जाने के लिए ना कैलरी सरप्लस में जाना पड़ता है, ठीक है, कैलरीज बढ़ानी पड़ती हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको, ठीक है, वैसे तो हम कुछ चीज़ें ज़्यादा खा नहीं सकते, ज़्यादा मतलब जितना भी अगर हम खा के कंज्यूम करेंगे सॉलिड फॉर्म में जैसे फूड, तो ज़्यादा खा नहीं पाएंगे और पेट भी भर जाएगा। इसलिए एक मास गेनर ना, मतलब ऐसा मास गेनर शेक बनाया जाता है, ठीक है, जो कि मैं भी खुद यूज़ कर रहा हूँ लास्ट 15 डेज से, 15 दिन से मैं गेनिंग पे, पहले कटिंग पे था इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई, काफ़ी साइज़ गिर गया था नेचुरली यार, फिर मैंने सोचा सही नहीं लगेगा, थोड़ी गेन करके उसके बाद ही बनाएंगे। तो मास गेनर में आपको क्या करना है, ठीक है, जिसको भी वेट गेन करना है, मास गेन करना है, तो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ अभी आपको। आपको करना क्या है, आपको बनाना लेना है केला, ठीक है, वो आप 2 का शेक बनाए, 3 का बनाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, नोट कर लेना बेसिक से, अगर आपको याद ना रहे तो वीडियो बाद में देख लेना दोबारा, अगर याद ना रहे तो। केला हो गया, उसके बाद आपका ओट्स हो गया, उसके बाद आपका पीनट बटर हो गया, प्रोटीन हो गया, काजू हो गया, बादाम हो गया, और आपका अखरोट हो गया, उसके बाद आपका खजूर हो गया, ठीक है। ये जैसे आपने 8 बादाम डाल लिए, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल लें, जैसे शुरू में आप कम डालिए, जैसे 5 बादाम डाल लिए, 5 अखरोट, 5 काजू खजूर, लेकिन 2 ही डालने हैं, ठीक है। पीनट बटर 1 चम्मच डालना है, 50 ग्राम ओट्स डालने हैं, 2 बनाना डालना है और दूध डालना है, वो तो आपके हिसाब से है कि आप कितना पी पाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बना लिया और कंज्यूम नहीं कराया तो ख़राब ही जाएगा, अपने हिसाब से करना है जो भी करना है, ठीक है। और इसको पीना है एक्सरसाइज के बाद में, ठीक है, एक्सरसाइज के बाद पीना। और देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि सबकी बॉडी की टेंडेंसी ना अलग अलग होती है, किसी का होता है कि किसी की बॉडी बहुत जल्दी जो है फैट गेन करती है, तो जिनको लगता है कि मेरी बॉडी ज़्यादा फैट गेन कर रही है, तो उनके लिए एक और अल्टरनेटिव है, वो ये है कि उनको पपाया में ऐड करना है जो सारी चीज़ें मैंने बताई है ना, जिनको ज़्यादा गेन करना है, जिनकी जिनको लगता है कि हाँ मुझे वेट ही गेन करना है, तो उनको तो बनाना हो गया। और दूसरा, जिनको लगता है कि मेरी बॉडी ज़्यादा, जैसे आप अगर रात को कंज्यूम कर रहे हैं ना, मेनली रात को बॉडी ज़्यादा फैट में फैट बना देती है ना मोस्टली, तो रात को अगर आप पी रहे हैं चीज़ें तो आप पपाया में करके ले लीजिए, ठीक है। और अगर आप सुबह पी रहे हैं तो आप केला में डाल के ले लीजिए सारी चीज़ें शेक बना के। उसके बाद ये है, क्योंकि सारी चीज़ें ना हमेशा यू नो 7 डेज अ वीक नहीं खाई जाती, नहीं पी जाती, 2 टाइम लेना ये तो जो आपको बताया, ठीक है। उसके बाद इसके अल्टरनेटिव क्या हैं, अगर आपके अल्टरनेटिव जैसे अगर आप डेली पी पी के बोर हो गए तो आप कर लीजिए, जैसे एक दिन आपने कभी एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आपने आलू के पराठे खा लिए दही के साथ, ठीक है, उससे पहले 1 स्कूप प्रोटीन ज़रूर लेना है, ठीक है। और बोर हो गए तो जैसे इससे भी बोर हो गया, आलू के पराठे से भी, शेक से भी बोर हो गए, तो आपको करना क्या है, ओट्स, अंडे और बादाम, जैसे 5 अंडे हो गए, 50 ग्राम, 70 ग्राम ओट्स हो गए, अपने हिसाब जितना खा सकते हो, भी उसमें तो कैलरी नोट नहीं की जाती ना गेनिंग में। और उसके बाद होगी जैसे 8-10 बादाम हो गए, तो ये 3 अल्टरनेटिव मैंने मॉर्निंग के दिए आपको, जिसमें शेक तो इवनिंग को भी पीना है आप लोगों को, ठीक है, तो 3 अल्टरनेटिव दे दिया, दोपहर का रह गया। मैं मेन मेन बताऊंगा यार, मैं हर चीज़ छोटी मोटी चीज़ नोट नहीं करूंगा, जो मेन चीज़ें हैं वही उन पे फोकस करूंगा, ठीक है। दोपहर में क्या करना है, दोपहर में अपना चावल हो गया, चपाती होगी,
सब्जी दही दही लस्सी जितना मर्जी खाओ उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। चावल हो गए, कटोरी या सैलड हो गया, ठीक है। ये आपकी तीन बेसिक मील मैंने बता दिया आपकी, जैसे मॉर्निंग की एक शेक बता दिया, और जो आपका दोपहर का लंच का मैंने चावल बता दिए, सब्जी चपाती और सैलड हो गया, दही लस्सी, ठीक है। यही है बेसिक। अगर आप जिसका ज़्यादा बजट है वो चिकन ऐड कर सकता है, वो चिकन भी ऐड कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद सुबह का हो गया, दोपहर का, शाम का, तीन जो बेसिक मील प्रेप हो गई हमारी वो हो गई। स्नैक टाइम में आप क्या ऐड कर सकते हो, जैसे इवनिंग स्नैक में, जैसे आपने 5 साढ़े 5 बजे अपने अंडे ऐड कर दिए, 4 या 5 अंडे ऐड कर दिए, क्योंकि प्रोटीन इंटेक ना बहुत ज़रूरी है। कार्ब्स इंटेक तो ज़रूरी है ही है, पर प्रोटीन इंटेक भी बहुत ज़रूरी है। सुबह शाम आपको लेना है, उसमें डाल के प्रोटीन भी डालना है, चीज़ नोट करना। जिनको जैसे जिनको ये लगता है ना गाइस कि मुझे तो बस ज़्यादा स्किनी है, फैटी थोड़ा सा गेन करना है, थोड़ा सा मोटा दिखने लगे, थोड़ा सही दिखने लगूँ, और जिनको एक्चुअल में मसल गेन करना है तो उनको प्रोटीन इंटेक का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और जिनको नॉर्मली बस फैट गेन करना है वो बिना प्रोटीन के भी पी सकते हैं सब चीज़ें डाल के ना, तो उनके लिए ये भी अच्छा रहेगा। इवनिंग स्नैक का जैसे मैंने बता दिया, 5 बजे 6 बजे, जो मतलब अगर जो डिनर करते हैं 8 बजे उनका बताया मैंने, ठीक है। तो 4 या 5 अंडे ऐड कर सकते हैं, और आपको अगर जैसे क्या बोलूँ 10-11 बजे अगर आप ब्रेकफास्ट सुबह जल्दी करते हो, 10-11 बजे आप एक फ्रूट ऐड कर लो, बस एप्पल कर लो या ऑरेंज कर लो, कुछ भी कर लो, बस बेसिक रखना है। कुछ ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना, मैं ये भी खा लूँ, मैं वो भी खा लूँ, गेनिंग हो जाएगी। अगर आपकी एक्चुअल में गेनिंग होनी है ना, तो इससे इतनी अच्छी गेनिंग हो जाएगी कि मैं भी यही रहूँगा, आप भी यही रहोगे। वीडियो में आके बता देना कमेंट करके कि हाँ भाई एक्चुअल में गेन हुआ है मुझे, ठीक है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये नहीं 1.5-2 महीना आराम से कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इससे अच्छा बड़े से बड़े कोच के पास भी जाओगे ना, यही बताएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत बहुत ऊपर नीचे कर दे चीज़ों को, इंग्रेडिएंट को ऐड कर दे। हाँ, आप अपने बजट के हिसाब से उसमें चिया सीड हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, पम्पकिन सीड हो गया, ये ऐड कर सकते हो। ये सब आपके ऊपर है, आप कितना मतलब खर्चा करना चाहते हो, एक्चुअल में गेन करना चाहते हो। चीज़ें बहुत सी हैं बताने के, मैं तो और भी बता दूंगा, बट ये है वो बेसिक चीज़ें जो आपके लिए बहुत क्लीन है, जो आपका जो मसल मास है बहुत क्लीन लेके आएंगी, जो मसल क्वालिटी भी जिसमें थोड़ा आपको दिखेगी कि हाँ भाई सही गेन हो रहा, भाई ने सही बताया था, ठीक है। तो भी मैंने बता दिया आपकी बॉडी की टेंडेंसी के हिसाब से बता दिया, क्योंकि कईयों की बॉडी क्या होती है, जिसको पानी भी पीते हैं ना तो ऐसा लगता है कि भाई बॉडी में लग गया, और कुछ कितना भी खा ले नहीं लगता। तो मैंने पपाया का भी ऑप्शन दे दिया आपको, और बनाना का भी दे दिया। रात को जिनको ज़्यादा फैट गेन होता है वो पपाया शेक रात को ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। तो यार जिम का मतलब ये नहीं है कि आप आओ 2-2 घंटे 2.5-2.5 घंटे एक्सरसाइज करके जाओ और आपको लगे कि आपकी बॉडी बनेगी। एक्सरसाइज से कभी भी बॉडी नहीं बनेगी, ठीक है। बॉडी बनेगी आपकी खाने से, और एक्सरसाइज कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक्सरसाइज आपको करनी है अल्टरनेट डेज पे, एक दिन छोड़ के एक दिन करनी है, और दो बॉडी पार्ट आपको करने हैं, चाहे आप सुबह करते हो चाहे शाम को करते हो। जैसे आपने बाइसेप्स के, जैसे आपने बैक ली, बैक के साथ आपने बाइसेप्स कर ली, चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स कर ली, और आपने जैसे शोल्डर करे, और आप ऐसा कर सकते हैं 4 दिन भी कर सकते हैं यार, एक दिन लेग, क्योंकि मैं 4 दिन करता हूँ, लेग में अलग अलग से करता हूँ, क्योंकि उस दिन हालत नहीं बचती गर्मी में, वैसे लेग में यार चक्कर आने लगते हैं ना। तो ये एक्सरसाइज का हो गया। देखिए मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा हूँ वीडियो को, ना काफ़ी सिंपल रख रहा हूँ, ताकि सबकी समझ में भी आ जाए कि हाँ भाई अल्टरनेट एक दिन छोड़ के एक दिन एक्सरसाइज करनी है, और बस जो मेजर बॉडी पार्ट कर रहे हो, जैसे आप बैक कर रहे हो तो उसके आपको 5 एक्सरसाइज लगानी है, और जो माइनर कर रहे हो जैसे बाइसेप्स होगी सेकेंडरी जो बॉडी पार्ट है उसके आपके 3 लगानी है। और फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, नेक्स्ट वीक आपने जैसे रिवर्स कर लिया, जैसे आपने 5 जैसे बाइसेप्स की कर ली और 3 बैक की कर ली, आप अपनी स्थिति की, जितना कैलोरी कम बर्न करोगे और कंज्यूम ज़्यादा करोगे ना उतना ही साइज अच्छा गेन होगा। अभी मेरे को 15 दिन हुए हैं गेन करते, लेकिन साइज इतना अच्छा आने लग रहा है ना, मसल क्वालिटी मतलब बढ़िया। और एक और चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, जो भी मतलब गेनिंग पे जाएंगे, अपना कोर वर्कआउट ना छोड़ें यार, वीक में 2 बार तो कोर वर्कआउट करें कम से कम, क्योंकि हमारे जो एब्स है ना वो भी एक मसल ही हैं बाकी मसल्स की तरह, उनको जब न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो भी ग्रो करते हैं। तो आपने देखा हो काफ़ी, जैसे जो जिनकी एस्थेटिक बॉडी होती है उनके एब्स होते हैं छोटे, और जो स्ट्रोंग मैन होते हैं या बॉडी बिल्डर होते हैं उनके एब्स होते हैं बड़े बड़े बिस्किट से, चीज़ नोट करी होगी आपने। उनका पेट भी होता है, पेट सा दिखेगा लेकिन उसके एब्स विजिबल दिखेंगे, वो इसलिए होते हैं क्योंकि मसल जो एब्स मसल होते हैं ना वो उनके बड़े होते हैं, उनको भी ट्रेन करना ज़रूरी है। तो अगर गेनिंग पे हैं तो एब्स मसल ट्रेन करना पड़ेगा, अगर सही रखनी है फिजिक तो, ठीक है। और उसके बाद हमारा रह गया है मेन,
और अब मैं ये बता देता हूँ कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। एक्सरसाइज आपको थोड़ा सा ना हैवी वेट करना है। जैसे हैवी वेट का मतलब ये है कि आपको जैसे आपको क्या कम से कम 3-4 रैप खुद लगाने, इतना हैवी तो आपको रखना है। जैसे आपको स्टैंडर्ड से स्टार्ट करना है, जैसे आप नॉर्मल जो वेट मारते हो हैवी तक जाना है, कि 3-4 रैप आपने खुद लगा लिए, 3-4 रैप आपने किसी की सपोर्ट की मदद से आपने कर लिए, तो उसका हैवी का मतलब यही होता है। ठीक है, कम रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं लेकिन वेट थोड़ा ज़्यादा लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप वेट होल्ड ही नहीं कर पा रहे, आप वेट लगाने चल दिए, ऐसा नहीं करना है। इंजरी आ जाएगी और फिर वो इंजरी हमेशा के लिए दिक्कत करेगी आपको। तो हैवी वेट करना है। इसके साथ साथ एक चीज़ और ऐड करनी है अपनी जो है डाइट में, वो है क्रिएटिन ऐड करना है। क्रिएटिन काफ़ी सपोर्ट करता है यार मसल को ना, स्ट्रेंथ देता है। और इसके लिए ना आप अगर ये चीज़ जो मैंने बताई, ये चीज़ आप अगर करोगे ना, तो आपको स्ट्रेंथ के लिए कोई चीज़ एडिशनल खाने की या कुछ करने की उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप अल्टरनेट डेज पे एक्सरसाइज करोगे, इतनी अच्छी डाइट लोगे ना, तो स्ट्रेंथ बॉडी में अपने आप ही आएगी। आप देखें ना, आप खुद रिजल्ट बता दोगे कि हाँ भाई आपने बहुत सही चीज़ बताई है। तो ये हो गया हमारा डाइट एक्सरसाइज का कि हैवी वेट करना है। मैंने आपको डाइट का भी बता दिया और आपको क्रिएटिन का भी बता दिया कि क्रिएटिन ऐड करना है। और आप चाहें तो आप BCAA भी चला सकते हैं, EAA भी चला सकते हैं। वो तो यार थोड़ा सपोर्ट के लिए हो गया ना, मसल रिकवरी के लिए, कम मसल ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको चलानी है मल्टी विटामिन, फिश ऑयल, ठीक है, और विटामिन ई भी चला सकते हैं, लीवर 52DH चला सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको फिश ऑयल विटामिन ई इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि आप देखते होंगे बहुत से बंदे जो जिम करते हैं ना, उनके बॉडी पे एक्ने मिलेंगे आपको, चाहे कम किसी के जिनकी साइकिल चलती है उनके ज़्यादा मिलेंगे, जिनकी साइकिल नहीं चलती उनके कम मिलेंगे। मैं आपको अभी अभी मैंने कभी आपको बॉडी दिखाई नहीं है, अपनी आप बॉडी दिखाऊंगा तो आप देखना मेरी बॉडी पे आप एक भी एक्ने नहीं दिख सकोगे। टच वुड, मेरी बॉडी पे एक भी एक्ने नहीं है भाई, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपकी। मतलब चाहे आप जिम कर रहे हो ना कर रहे हो तो भी आप चीज़ें ले सकते हैं, विटामिन ई और फिश ऑयल, ये चीज़ें दो चीज़ आपको पक्का चलानी चलानी है। अगर आप गेनिंग पे हो या कटिंग पे हो तब भी, मतलब ये आपका हमेशा का है। ठीक है, इससे जो आपकी मसल क्वालिटी है ना वो बहुत सही रहेगी मसल्स की, और जो आपकी स्किन क्वालिटी है काफ़ी सही रहेगी, देखना चाहिए आप। ठीक है, उसके बाद रात को मैं आपको बता दूँ, रात को आपको दूध लेना है 1 गिलास सोने से पहले, 20 मिनट आधा घंटा पहले। उसके साथ आपको अश्वगंधा, बोक्षा, जो कि हम हमेशा बोलता हूँ, देखिए गेनिंग करने के लिए ना गाइस हॉर्मोन्स को पुश करना बहुत ज़रूरी है। अगर टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं होगा तो गेनिंग, असल साइज़ नहीं बढ़ेगा, स्ट्रेंथ नहीं आएगी, तो उनको बूस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अश्वगंधा गोक्षरा मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ दूध के साथ, और मैं खुद भी हमेशा लेता हूँ। तो ये चीज़ होगी आपकी रात की। तो अगर कुछ और, अगर कुछ मेरे शायद मैं भूल गया हूँ बताना, या आपको कुछ याद आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मतलब आप पर्सनली पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना किसी दोस्त के साथ जो जिम करता हो, जिसको मसल गेन करना हो, और सब्सक्राइब कर देना जिसने नहीं किया हो भाई। और एक चीज़ मैं थोड़ा सा बताना भूल गया था आप लोगों को, कि जब आप ये हाई कैलोरी शेक बनाएंगे तो इसमें आपको शुगर ऐड नहीं करनी, चीनी नहीं खानी है। क्योंकि तो आप जितनी चीनी कम खाओगे ना, जितनी शुगर कम कंज्यूम करोगे, उतनी जो आपकी मसल क्वालिटी है ना, और जो गंदा फैट है वो नहीं आएगा आपकी बॉडी में। आप क्लीन खाओगे, क्लीन जो मैंने आपको क्लीन जो कैलरी सरप्लस बताया है, पूरा क्लीन कैलरीज है आपकी। फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, चावल हो गए, दही, लस्सी, दूध, सब नेचुरल है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने आपको बता दी जो अवेलेबल ना हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जो बॉडी में साइड इफेक्ट कर दे कुछ, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। सब सब क्लीन बताया आपको, बिल्कुल हेल्दी बताया। बाकी जो आपको मर्जी वो आप खा सकते हैं। अगर आपको क्लीन गेन करना है तो क्लीन खाओ, ऐसा आपको करना है, बस गेन ही करना है, चाहे कुछ अच्छा बुरा कुछ गेन हो बॉडी में, तब अपनी मर्जी से भाई कुछ भी खा सकते हैं। बाकी मैंने आपको 5 मील बता दिए, सुबह की, शाम की, दोपहर की, स्नैक टाइम भी मैंने बता दिया है, सोने से पहले का दूध के साथ मैंने वो भी बता दिया है, और विटामिन ई। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, विटामिन ई जो है आपको दूध के साथ कंज्यूम करना है, क्योंकि विटामिन ई है जो फैट सोल्यूबल होता है। ठीक है, पानी के साथ बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता ये, समझ रहे हो? आपने पढ़ा भी होगा, बायोलॉजी पढ़ी हो तो। विटामिन ई फैट सोल्यूबल है, दूध दूध में फैट होता है, तो फैट के साथ ही एब्जॉर्ब करेगी बॉडी। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है। और एक इम्पोर्टेंट बात और थी गाइस जो मेरे को करनी थी, क्योंकि जैसे आप अगर आप लोग गेन कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ मैं जो खुद अपने ऊपर करता हूँ, जो जिससे मैं खुद गेनिंग करता हूँ, ऐसा नहीं है मैं किसी दूसरे का देख के वीडियो बना रहा हूँ
या किसी और से पूछ किया, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो मैं खुद करता हूँ, जो मेरे को पता है मैं खुद कंज्यूम करता हूँ। वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हो सकता है आप पे भी शायद सही इफेक्ट करे वो चीज़। और सबकी बॉडी की अपनी टेंडेंसी अलग अलग होती है गाइस। आप जो खाते हो ना, वो आपको देखना है कि आपकी बॉडी क्या खाते हो तो कैसा रिस्पॉन्ड करती है, कौन सी चीज़ें आप खा रहे हो तो बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, कौन सी खा रहे हो तो बॉडी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, क्या खा रहे हो तो मसल साइज़ बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ये चीज़ें आपको नोट करनी है। और जितने दिन आप ये चीज़ें करोगे ना, एक्सरसाइज करोगे, जिम करोगे, आपको हर बार कुछ नया पता चलेगा। देखना, ये चीज़ें आपके साथ भी होती होगी। हो सकता है अगर इस साल अगर आप हो, लास्ट लास्ट ईयर आप जहाँ पे हो अभी, आप थे इस टाइम पे, आपको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो नहीं पता होगी। आज आपको बहुत कुछ पता होगा, उससे पिछले साल अगर आप कर रहे हो आपको लगता होगा मेरे को सब कुछ पता हो गया, मोस्टली चीज़ें पता है। लेकिन आप फिर नेक्स्ट ईयर सेम स्टेज पे आते हो, सेम टाइम पे, आपको बहुत सी चीज़ें ऐसे होती हैं जो पता ही नहीं होता, ये तो यार मुझे पता ही नहीं थी। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, तो मैं अपने हिसाब से बताता हूँ और आपको भी चीज़ें पता करनी बॉडी के हिसाब से, कौन सी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड देती है मेरी। तो जी, जो चीज़ें याद रखनी है आपको, चीज़ों पर ध्यान देना है, क्या खाते खाने पर बॉडी कैसा रिएक्ट करती है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, बाय।